एग्जाम्पल 20 ट्वेल्थ में आरबीसी चैप्टर 16 चैप्टर प्राइक था। नाम आते ही पता लगता है कि कोई टफ क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं है। आप इस प्राइक का यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो आप एक काम करो, जो ये कह रहा है ना क्वेश्चन, उस इवेंट को अपने सामने होती हुई इमेजिन करो कि मेरे सामने ये हो रही है, और फिर उसको सोचो और फिर उसके बाद में बात करो, और उसके बाद में खुद से बात करो कि ऐसे हो रही है, अब इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो आपको बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अंदर एग्जाम्पल 20 में पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी है जो कि एक डाई को उछालता है, तो डाई को उछालता है तो फिर वो रिपोर्ट करता है, बोलता है कि 6 आया है, लेकिन उसके बारे में हमें पहले से पता है कि वो 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स सच बोलता है, 4 बार में से 3 बार सच बोलता है, ये पहले से पता है। अब देखो, उसने कहा कि भाई 6 आया है, उसने खुद ही क्या रिपोर्ट की, 6 आया है, तो उसके बारे में पहले से पता है कि 4 बार में से 3 बार सच बोलता है वो, तो अब हमारे को ये पता लगाना है कि वास्तव में 6 आया था, इसके कितने चांस, क्योंकि वो 4 बार में से एक बार तो झूठ बोलते ही है ना, तो हो सकता है 6 नहीं भी आया, उसने कह दिया और 6 आया है। तो अब हमारे पर सामने ये समस्या है कि इसमें ये कहा है कि 6 आया, हमें पता लगाना है वास्तव में 6 आया था, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसके कितने चांसेस है। तो देखो, दो चीजें हैं, एक इवन ले लो और एक इवन ले लो। इवन का मतलब हो जाएगा गेटिंग 6 ऑन डाई, डाई उछाली और 6 आया। इवन का मतलब नॉट गेटिंग 6 ऑन डाई, काम हो सकते हैं या तो आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पर ए का मतलब उसने रिपोर्ट दी ना कि रिपोर्ट्स 6, ये रिपोर्ट्स गेटिंग 6, उसने कहा है 6 आ गया, ये बात पे आपने क्वेश्चन का फ्रेम किया भी, उसने क्या रिपोर्ट दी है, 6 आया है, पहली इवेंट है भी, हो सकता है 6 आया है, थैंक यू 6 आ सकता है, और उसी समय हमने सोचा नहीं भी आया, इन नॉट गेटिंग 6, तो इस काम के होने के चांसेस, 6 आने के चांसेस कितने हैं, सोचना कैसे क्वेश्चन करें, एक डाई को उछालने से टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, उसमें से एक होता है, और 6 नहीं आएगा तो बहुत सारी है आने वाले 1, 2, 3, 4 आए, कोई भी आए, दैट्स फाइव अपॉन 6। अब सोचो कंडीशन प्रॉपर्टी के भी 6 आया है ना, 6 आया है, उसके बाद उसने रिपोर्ट की, तो अगर 6 आया है और वो रिपोर्ट कर रहा है 6 आया है, तो उसने सच ही बोला है, गलत झूठ पड़े बोला है, उसे सच बोला है, वो 6 आया है, ये काम हो चुका है, पहले जो नीचे लिखते हैं ना ये काम हो चुका होता है, उसके बाद इसके चांसेस निकाले जाते हैं। तो 6 आने पर वो बोलेगा 6 आया है, तो सच बोल रहा है, उसने सच ही बोला है, 6 आया पहले तो बोला, वहां भी 6 आया है, तो सच बोलने के चांस कितने हैं उसके, 3/4, 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, क्वेश्चन में दे देता है। यहां बात करते हैं सर, ये 6 नहीं आया, E2 ये काम हो रहा है, ये वाला क्या नॉट गेटिंग 6 ऑन टाइम, 6 नहीं आया, फिर भी उसने रिपोर्ट कर दी कि 6 आ गया है ना, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, इसके चांस कितने हैं, सच बोलने का चांस कितने, 3/4, 1 में से माइनस कर दो,
रिपोर्ट की ना, तो रिपोर्ट जिसने सुनी ना उसको पता लगाना है कि वास्तविक शिक्षा है उसके कितने चांस है। तो देखो भाई, अब यहां पर उसने आके रिपोर्ट दे दी, मतलब ये काम हो चुका है, जो काम हो चुका है अपन ने, वास्तव में शिक्षा आया है, यानी गेटिंग से सोन डाई इवन काम वाज की कितनी प्रॉपर्टीज या हमारे को निकालना है, इवन को ऊपर निकला। अब यहां पर क्या होता है, ऐसे प्रीवियस वैल्यू के बारे में जब बात करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं कि बेस पर लगाते हैं। बेस पर क्या बोलती है कि यहां पर जरा इसको याद ऐसे होता है, उसका फॉर्मूला जरा ये इवन अपॉन ए है ना, तो यहां पर ए अपॉन इवन और इनटू में इसके क्या आ जाएगा, ये सेम चीज आ जाएगी एन टू। बहुत इनकी क्वेश्चन है, बस मैंने क्या कहा था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस इवेंट को अपने सामने होती हुई इमेजिन करनी पड़ेगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ये ए अपॉन ई टू, आप इसे कंफ्यूज हो तो ना कि एस वन लिया या एस टू लिया, तो हमारे पर डिपेंड है, ईवन ले एस वन ले कुछ भी लो, ए ले बी ले क्यू ले कुछ भी ले सकते हो, तो ये डिपेंड करता है इसको इमेजिन, क्योंकि लेट की जाती ना कि ईवन का मतलब क्या हो गया गेटिंग सिक्स ऑन डाई, ई टू का मतलब क्या हो गया नॉट गेटिंग सिक्स ऑन डाई, या तो भी डाई के ऊपर पास के ऊपर छह आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा छह आने पर बोलता है छह आया, मतलब सच बोला है, तो सच बोलने के चांस कितने हो, इवन हो चुका है उसके बाद सच बोलना है, उसे रिपोर्ट कर दी सिक्स आया उसके चांस 3/4, नहीं आया फिर भी उसने बोल दिया भाई सिक्स आ गया, इसका मतलब क्या हो गया ये झूठ बोला है, झूठ बोलने चांस कितने 1/4। अब रिपोर्ट आगे उसे आगे बोल दिया कि आगे सिक्स आया है, अब हमारे को जैसे सुना है ना उसको सोचना है कितना सही बोला है, वास्तव में सिक्स आया था इसकी कितनी चांस है, वास्तव में सिक्स आया था इसकी कितने चांस है, तो क्या हो जाएगा इवन न पहुंचे और बहुत जल्दी दौड़ता हुआ आंसर आएगा। अब देखो यहां पर पी इवन कितना है 1/6, ये बहुत जल्दी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ट्रिक बताता हूं उसमें, ए अपॉन इवन 3/4 1/6 इंटू 3/4 प्लस यहां पर क्या पी ई टू 5/6 इंटू ए अपॉन ई टू निकाल लिया मैंने 1/4, मैंने यहां बहुत जल्दी के अंदर उसने काटी वर्ड बोला अपने आप, ये देखो 6/4 इसमें है 6/4 इसमें 6/4 इसमें सब में, तो यहां से अगर मैं एलसीएम ले लूं या कॉमन ले लूं या यूं समझो 6/4 का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया एक ही बात है, तो यहां पर ये थॉट जल्दी लगाओ दिमाग के अंदर 6/4 का ना न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन कैसी आएगी, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, यहां 6 × 4 का मल्टीप्लाई करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 3 सिंपल, यहां भी 6 × 4 का मल्टीप्लाई चलेगा ये कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर का ऑपरेशन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 3 और यहां पर कितना बचा 5, बहुत जल्दी हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3/8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली समझें, और प्रॉबर्टी का क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई क्या जो जैसा कह रहा है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो अपने सामने होता हुआ इमेजिन करोगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक भी करें, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और प्रॉबर्टी के लिए वापस बता देता हूँ जो क्वेश्चन कहता है उसको अपने सामने होता हुआ इमेजिन करो फिर आपके राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।